हाँ जी, अब देखिए, हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ओस्मोसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परासरण, उसके बारे में पहले इसे ना आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर इन टॉपिक्स को समझ लेंगे तो जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस यानी परासरण के बारे में। देखिए, हम बोलते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, इट ओनली अकर इन वाटर, ये केवल वाटर के लिए होता है। जो ऑस्मोसिस वर्ड यूज किया जाता है ये केवल पानी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वाटर के अलावा कोई लिक्विड नहीं लिया जाता है यहाँ पे। आगे समझिए, जो वर्ड्स है ना उनको ध्यान रखिएगा। एक हम लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लगा देते हैं वाटर के अंदर, मतलब एक लेयर होती है, उस लेयर से हम एक वाटर या कोई भी चीज़ पास कराते हैं। कोई का मतलब जैसे कॉन्सनट्रेटेड वाटर है उसको हम उस झिल्ली से पास कराते हैं। ठीक है, पास कराते हैं इस झिल्ली से। लेकिन देखने को ये मिलता है ना कि यहाँ पर ये देखा गया कि जब हम इस झिल्ली से वाटर या सॉल्यूशन को पास कराए, तो सॉल्यूशन में क्या था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होता है। सॉल्यूट के रूप में आप लेंगे कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए शुगर ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, इनको ले लीजिए। ठीक है, और सॉल्वेंट के रूप में आप वाटर ले लीजिए, कुल मिला के सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन को जब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कराई जाएगी तो जो आपका वाटर होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स ना इससे पास हो जाएंगे। लेकिन आपने शुगर या ग्लूकोज जो भी कुछ लिया है, इसके मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, जिसके कारण ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको पास नहीं होने देती। तो हम बोलते हैं कि इससे ये पास नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स इससे पास हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा जो अदर मॉलिक्यूल्स या अदर पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका पास हो जाएगा लेकिन ये पास नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर वाटर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि लेस वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो वहां पर आप बोलेंगे कि लेस वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वहां पर मोर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, हम बात कर लेते हैं केवल वाटर मॉलिक्यूल्स की। जैसे आपने ये देखा बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन सॉल्यूशन में दो सॉरी यहाँ पर दो लेयर्स बनी है, मतलब दो पार्टीशन होगा, कंपार्टमेंट होगा, और दोनों में अलग अलग तरीके के मतलब लिक्विड पाए जाएंगे। अब देखिए, आपने एक काम कर दिया, यहाँ पर ध्यान से हमारी बात समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपने ले लिया कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन आपने ये ले लिया। अब हमारी बात को समझिएगा, आपने क्या लिया, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि इस साइड आपने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले लिया है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। आपको एक बात तो यहीं से पता चली गई है कि अगर हम कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें से केवल वाटर मॉलिक्यूल इधर पास होगा, बाकी कोई भी पास नहीं होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन झिल्ली लगाने से या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने से होता यहाँ पर क्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले लिया, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब इसमें देखिए बाकी भी हैं लेकिन इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो पानी की अगर मात्रा ज़्यादा है, मान लीजिए कि ये छोटा वाला पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और ये बाकी अदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये अदर मॉलिक्यूल्स हैं।
अब हमारी बात सुनिए, इधर मान लीजिए पानी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा कम है और बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर ग्लूकोज हो गए या फिर कोई डस्ट हो गई या कुछ भी हो गया, कुल मिला के आप देख रहे हैं कि इस वाले हिस्से को, सॉरी हम कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ ये वाला हिस्सा कॉन्सनट्रेटेड है, इसको ऐसे रखिए, इसको कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन बना दीजिए और इसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हम आपको बोल ये रहे हैं कि इसमें पानी के ये जो छोटा वाला पार्टिकल, छोटे छोटे हैं ना, इनको वाटर मॉलिक्यूल्स बोल देंगे और ये जो है इनको बोलेंगे अदर पार्टिकल्स। आप ये बोल सकते हैं कि ये हैं अदर पार्टिकल्स या अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अदर मॉलिक्यूल्स हैं। अब आगे सुनिए, आप देख रहे हैं कि इधर पानी की मात्रा ज़्यादा है और इधर पानी की मात्रा कम है, और आपको पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो पास होता है वो केवल वाटर मॉलिक्यूल्स पास होगा, यानी कि इधर से इधर वाटर नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जहाँ ज़्यादा है ना उससे लो की तरफ आएंगे, यानी कि कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल हैं ये आप देखेंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये आएंगे कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और ये भी बात ध्यान रखनी है, देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ऐसे कि मोर H2O मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, आप बोल सकते हैं लेस वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। अगर देखा जाए तो जहाँ हायर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं से लोअर वाटर मॉलिक्यूल्स के तरफ जो वाटर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे, यही होता है ओस्मोसिस। क्या होता है? ओस्मोसिस। अब देखिए एक समय आएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएंगे, दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएंगे, आप ना वो काउंट करके नहीं बना रहे हैं, आप बस समझ लीजिएगा दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएंगे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल के अलावा अदर मॉलिक्यूल्स या अदर पार्टिकल्स हैं इनसे कोई लेना देना अपने को है नहीं, अपने को इनसे कोई लेना देना नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो आप बोलेंगे कि यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल सेम है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम सेम H2O मॉलिक्यूल्स, दोनों तरफ H2O मॉलिक्यूल्स सेम है, और जब सेम है तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर बोलेंगे कि अगर दोनों तरफ का कॉन्सनट्रेशन बराबर हो गया तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो पार्टिकल का नेट मोमेंट यहाँ पे या मॉलिक्यूल्स का नेट मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो नेट मोमेंट है, नेट मोमेंट है, मूवमेंट होता है ना, नेट मोमेंट क्या होगा? जीरो। ये नेट मोमेंट आपका जीरो आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। यही होता है आपका ऑस्मोसिस। क्या होता है? ऑस्मोसिस। हम ये बोलते हैं यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक दोनों तरफ H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में बराबर ना हो जाए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे जो मछली सांस लेती है ना, वो भी उसमें भी ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज होता है। प्लांट हम कहते हैं कि जो अब देखिए क्या होता है कि ग्राउंड से जो पानी जाता है ना अंदर, मिट्टी से जो पेड़ के अंदर पानी जाता है वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। जब देखते हैं कि आलू आलू के आलू को आप पानी में डालेंगे ना, तब भी यहाँ पर भी आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस देखने को मिलता है। खैर ये चीज़ ठीक है। अब ना यहाँ पर आप कुछ बातें यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ऑस्मोसिस के बारे में आप लिखिए द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आप इसको लिख लीजिए ना, द मोमेंट ऑफ मूवमेंट होता है MOVEMENT, द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद अ हायर कॉन्सेंट्रेशन विद अ हायर
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू वाटर मॉलिक्यूल्स टू अ सॉल्यूशन विद लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, विद लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अरे कुल मिला के ना देखिए, अगर ये बात थोड़ी बहुत इधर उधर उड़िया जाती है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीधा सा मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल से, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जिधर ज़्यादा होगा उधर से वाटर पार्टिकल, जिधर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे उधर मूव करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। बात समझ में आ रही है? तो इसमें खैर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं यार, है ना, वो नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखिएगा इसको, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।